आदर्श जोशी और आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस लॉ की गलतियां सीरीज में। थैंक यू फॉर शोइंग सच सपोर्ट टू दिस वंडरफुल सीरीज। और ऐसे ही और मिस्टेक्स हम सॉल्व करते रहेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सो दोस्तों, आई वुड ऑफ कोर्स लाइक टू स्टार्ट विद विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। और आज हम वही कुछ डिफरेंटली करने वाले हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और सब क्वेश्चन ए नवंबर 2019 के पेपर के बारे में, जिसमें एग्जामिनर्स ने कहा है दैट द परफॉर्मेंस वाज अबव एवरेज। फॉर अ चेंज, मैंने कहा ना हम कुछ अलग करने वाले हैं। सो फॉर अ चेंज एग्जामिनर ने क्लियरली कहा है दैट द एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो अबव एवरेज परफॉर्मेंस है, बच्चों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पर। एंड सभी लोगों ने जनरली आंसर दिया है, बट सभी लोगों का आंसर करेक्ट है। और होता भी क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन किस पे था, क्वेश्चन था सर फॉरेन कंपनी पे। पूछा गया था कि सर बताइए तीन तरह की कंपनीज हमने दे रखी है, आप बताइए कि ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है। पहले केस में रजिस्टर्ड ऑफिस सिंगापुर में था, बोर्ड मीटिंग इंडिया में हो रही थी। दूसरे केस में रजिस्टर्ड ऑफिस थाईलैंड में था, लेकिन मिस्टर वाई को ऑथराइज किया गया था कि वो कस्टमर्स ढूंढ कर निकाले और एंटर करे कॉन्ट्रैक्ट में इंडिया में। और तीसरा का ऑफिस रजिस्टर्ड था दुबई में और वो क्लाउड कंप्यूटिंग से इंडिया के क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे थे। तो तीनों केसेस में ऑफकोर्स अब आपको और मुझे सबको आंसर पता है, मैं आंसर के ऊपर डिस्कस नहीं करने वाला, मैं आप डिस्कस करने वाला हाउ यू शुड हैव प्रेजेंटेड द आंसर। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सबसे पहले तो टू सेक्शन 2 क्लॉज 42 को आप यहाँ पर कोट करें। इसके अलावा आप उनको बताएं दो मेजर चीज जिससे हम डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी फॉरेन कंपनी है या नहीं एज पर इंडियन मतलब कंपनीज एक्ट। तो हम लोग देखेंगे कि सर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हमको दो चीजें देखना है, दैट प्लेस ऑफ बिजनेस शुड बी इन इंडिया एंड ऑल्सो बिजनेस एक्टिविटी शुड बी इन इंडिया। बट सर ऐसा जरूरी नहीं कि बिजनेस एक्टिविटी या प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली होना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी चीजें बोली है। इसके साथ हमने बोला गया है सर आपके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज के रूल्स है, उसके अंदर बोला गया कि बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कंज्यूमर आप कहां कर सकते हैं, आप ऑफर टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटीज कर सकते हैं, फाइनेंशियल सेटलमेंट्स आप करवा सकते हैं, टेली मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेशन, टेली मेडिसिन, एजुकेशन, ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विस आप दे सकते हैं। और तो और आप ईमेल के थ्रू, मोबाइल डिवाइसेस, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन अदरवाइज से भी आप ये कंडक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग भी आता है और ये ही इसी पे इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी बेस्ड था। केस नंबर 1 में जहां पर आपने बोला था कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस तो यहां पर है या नहीं है, तो इसमें सर ऐसा हुआ था ना कि देखो ये कंपनी रजिस्टर्ड आउट ऑफ इंडिया है और ना ही इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। सेकंड केस में सर क्या हुआ था, दोनों प्लेस ऑफ बिजनेस भी यहीं पर है, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चलेगा, और ये इसीलिए इसको फॉरेन कंपनी कहा गया। और तीसरे केस में भी दोनों यहीं पर था इसलिए इसको फॉरेन कंपनी कहा गया है। तो जरूरी नहीं है कि आपका फिजिकल ऑफिस होना चाहिए, आप इलेक्ट्रॉनिकली वर्चुअली भी अगर अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमको सिर्फ दो चीजें देखना है, वेदर यू हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड आर यू कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया, व्हाट ऑल थिंग्स वाज एक्सपेक्टेड। बच्चों ने ये वाला पार्ट नहीं लिखा, इस पे मैं फोकस करना चाहूंगा, प्लीज रूल्स को भी रेफर कीजिए नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू यू नो हिट द थम्स अप एंड कीप वॉचिंग लॉ की गलतियां, ताकि ये गलतियां आप रिपीट ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।